नाजरीन, एक दफा फिर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रुबीना कौशल। डॉक्टर कौशल ने हमारे साथ एक प्रीवियस एपिसोड में अपनी रिसर्च फाइंडिंग शेयर की थी। उस प्रोग्राम का टाइटल था एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड क्राइम ट्रेंड्स, ए वायबल सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान। इस रिसर्च में उन्होंने मेंशन किया था कि उनकी रिसर्च ने एक पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है डेवलप किया है पाकिस्तान के लिए। हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक रिसीव हुई अपने व्यूअर्स से, और व्यूअर्स ने इसरार किया कि जो स्पेशली जो पेरेंट्स थे उन्होंने इशारा किया कि हमें अगर डॉक्टर साहब डिटेल में अपने पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से गाइड करें, उन सेशंस के हवाले से गाइड करें कि जिनमें उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स पेरेंट्स को सिखाए हैं कि जिससे वो अपने पेरेंटिंग स्टाइल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनका कि डायरेक्टली उनके बच्चों की तरबियत पर पॉजिटिव असर हो सकता है और उनके डिविएशन के चांसेस बहुत रिड्यूस हो सकते हैं। हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब प्लीज आप अपने जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उनकी जो की फाइंडिंग्स हैं, उनमें जो आपने टेक्निक्स और मेथड्स यूज किए हैं वो आप हमारे साथ डिफरेंट एपिसोड्स के जरिए शेयर कीजिए ताकि व्यूअर्स आपकी रिसर्च से मुस्तफिद हो। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर रुबीना, वेरी वार्म वेलकम अगेन। थैंक यू डॉक्टर वाजिद फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। डॉक्टर साहब, आपका जो ट्रेनिंग सेशन है उसके हवाले से हमने डिफरेंट जो सवाल हैं वो डिजाइन किए हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो पेरेंट ट्रेनिंग थी उसका एम क्या था? एक्चुअली जो मेरी पेरेंट ट्रेनिंग थी या कोई भी अवेलेबल पेरेंट ट्रेनिंग होती है, तो ब्रॉडर सेंस में हमने देखी, उनका एम ये होता है कि वालदैन को परवरिश के तरीके सिखाए जाते हैं इसमें, और इसका ये हल्दी मतलब नहीं है कि जो वालदैन ऑलरेडी बच्चों को परवरिश कर रहे हैं अपने मैथड्स पे वो बिल्कुल ठीक नहीं है या कुछ ऐसा अनयूजुअल है, लेकिन होता ये है कि जब वालदैन बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि उनके कौन से बिहेवियर ऐसे हैं जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं और उन बिहेवियर्स का असर उनके बच्चों की पर्सनैलिटीज पे क्या होगा। तो ट्रेनिंग, पेरेंटिंग ट्रेनिंग का एम ये होता है कि वालदैन को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए कि वो कौन से ऐसे बिहेवियर्स यूज करें बच्चों की परवरिश के लिए जिसका के उनकी लाइफ पे पॉजिटिव असर पड़े और बच्चों की जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे तरीके से एक ग्रूम करे और वो एज अ हेल्दी ह्यूमन बींग उभरे। तो ये बताइएगा कि जो बच्चे हैं उनमें साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं क्यों अपीयर होते हैं, वो क्यों अपने डिफरेंट साइकोलॉजिकल डेविएशंस हैं वो शो करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। बच्चों में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसकी बहुत सी रीजंस होती हैं, उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, उसमें फैमिली के फैक्टर्स भी होते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स भी हैं, बच्चों के पीयर ग्रुप के भी फैक्टर्स होते हैं कि बच्चों के किस तरह के पीयर्स हैं और यानी कि उनके दोस्त जो हैं उनके स्कूल का क्या एनवायरनमेंट है, उनके दोस्तों की हैबिट्स क्या हैं, ये सारी चीजें ओवरऑल बच्चों की पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट करती है। डॉक्टर ये बताइएगा पेरेंट्स के अंदर बच्चों के जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी जो एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन क्या बच्चों के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी एक्सेप्टेंस भी होती है? ये डिपेंड करता है कल्चर टू कल्चर। अगर हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली नहीं, इसमें सिर्फ बच्चों का ही, हम बच्चों के बारे में अगर बात करें तो सिर्फ बच्चे ही इससे सफर नहीं करते, बल्कि हमारी सोसाइटी में अगर पेरेंट्स की बात की जाए या और हम नौजवानों की बात करें या सोसाइटी के दूसरे अफराद की बात करें तो सब जो है इस डायमेंशन में सफर करते हैं। जो लोग हैं हमारी सोसाइटी के वो डिनाइल के फेज में रहते हैं और वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जाए या उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए। पर सब ये बताइएगा कि आपने अपने रिसर्च में डेलिक्वेंसी का जिक्र किया है, काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताइएगा डेलिक्वेंसी क्या होती है? डेलिक्वेंसी एक किस्म का क्राइम ही है, लेकिन जब जो लीगली प्रिस्क्राइब एज है अंडर 16 यानी 16 साल से बच्चे जो है वो बने हुए रूल्स को या लॉस को ब्रेक करते हैं तो उसको हम डेलिक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एट टाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं विदाउट टिकट बस में सफर करते हैं या अपनी एग्रेशन शो करते हैं या आपस में लड़ाई झगड़ा और फिर उसके लिए फिजिकली मारपीट का इस्तेमाल और गाली गलौज का इस्तेमाल, इसके अलावा घर से छोटी मोटी चीजें जो हैं बच्चे चुरा लेते हैं, सारी चीजों को हम डेलिक्वेंसी में इंक्लूड करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो पेरेंट्स है क्या उनका निग्लेक्टिंग बिहेवियर डेलिक्वेंसी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है, उसको एनहांस करता है? निग्लेक्टिव बिहेवियर भी बहुत ज्यादा डेलिक्वेंसी में कंट्रीब्यूट करता है। उसकी ये रीजन है कि पेरेंट्स अगर
देख ही नहीं रहे कि उनका बच्चा जो है वो किस तरह के बिहेवियर्स शो कर रहा है और उसमें क्या टेंडेंसीज डेवलप हो रही हैं और हर चीज को लोग रिजेक्ट करते जा रहे हैं और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर उसका वे आउट नहीं ढूंढते कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो वो एक बड़ा रीइंफोर्सिंग फैक्टर होता है उस बच्चे के लिए कि वो उस अपने बिहेवियर को स्ट्रेंथ। अगर फर्स्ट करें जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की जो माइनर डेलिक्वेंसीज हैं उनको अगर वो इग्नोर करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शटर ना हो, तो क्या ये जस्टिफाइड नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माइनर बिहेवियर से ही फिर बिहेवियर स्ट्रेंथन होते हैं और उससे फिर बड़े बिहेवियर सीखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जो है वो अपनी मदर के पर्स से पहले 10 रुपए या 50 रुपए जो है वो चुराता है और मदर उसको उस पर बास पुश नहीं करती या पेरेंट्स दोनों बास पुश नहीं करते और उसको इग्नोर कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो ज्यादा बड़ी रकम चुरा सकता है और इस तरह जब उसको एक दफा घर से पैसे चुराने की आदत पड़ जाएगी तो ऑब्वियसली वो ये उसका बिहेवियर कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्स होगा और फिर वो ये सीखेगा कि वो बाहर से भी ऐसा काम कर सकता है, वो आराम से बच सकता है। अच्छा ये बताइएगा वो कौन से ऐसे फैमिलियर फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को इनहेंस करते हैं? बहुत से फैमिलियर फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमने बात की थी पहले भी कि पेरेंटल प्रीडिस्पोजिशन है। फॉर एग्जांपल जो पेरेंट्स हैं उनकी अपनी क्या पर्सनालिटी है, उनकी अपनी पर्सनालिटी के क्या फैक्टर्स हैं, वो उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है इस वक्त, फिर क्या उनके अंदर जो इग्रेशन है वो किस तरह से है, बच्चों जो कपल है उसका आपस का रिलेशनशिप क्या है, फिर वो उस रिलेशनशिप को डील कैसे करते हैं, उस रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करते हैं, पेरेंट्स का बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा है, तो पेरेंट्स जो है वो लड़के और लड़कियों से डिफरेंट बिहेव करते हैं। और अक्सर ऐसे होता है कि जहाँ पर बेटियों की तादाद ज्यादा होती है और बेटों की तादाद कम होती है वहां पर स्पेशली लड़कों के बहुत से नेगेटिव बिहेवियर्स को इग्नोर किया जाता है, तो जो सिबलिंग के दरमियान जो है डिस्क्रिमिनेशन पेरेंट्स की तरफ से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी तरह से कह रही हैं बेसिकली कि जो सन प्रेफरेंस का फिनोमेना पाकिस्तान में डीपली प्रवेश करता है वो लीड करता है टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द मेल चिल्ड्रन। बिल्कुल, और इस तरह के बहुत से फैमिली के जो फैक्टर्स हैं वो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करते हैं। बताइएगा कि फैमिली में दो या दो से ज्यादा सिब्लिंग्स हैं विद इन द सेम जेंडर और डिफरेंट जेंडर्स, सो कैन दे डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स? जी बिल्कुल, उसमें बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए एक फैमिली में एक ही वालदैन के जो दो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट तरह की एबिलिटीज देके पैदा होते हैं। जैसे पेरेंट्स एट टाइम्स अगर एक बच्चा जो है बाय नेचर अगर वो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है और एक बच्चा जो है वो थोड़ा एग्रेसिव है, तो पेरेंट्स को दोनों को डील करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और अगर पेरेंट्स ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उसका उनकी पेरेंटिंग टेक्निक का जो या पेरेंटिंग मेथड्स का जो इम्पैक्ट है वो बच्चों पे होगा। और अब सोचने को तो पेरेंट्स ये सोच सकते हैं कि हम तो बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों की नीड्स उस वक्त डिफरेंट है और वो उन्होंने कैसे मैनेज करनी है और बच्चों को कैसे एक ही फैमिली के अंदर रहते हुए दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज जो शेप करती हैं, ये यही रीजंस हैं कि उसमें जाहिर है कि इनहेरिटेड फैक्टर्स भी हैं बच्चे के और इन्वायरमेंट फैक्टर्स। सब क्या ये बताइएगा कि क्या पेरेंट्स को अपने उन साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स या उन लिमिटेशंस को डिस्कस करना चाहिए एक दूसरे के साथ जो कि उनके बच्चों की साइकोलॉजिकल डेविएशन की वजह बन सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो कपल है जब ये डिसाइड करता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ रहना है तो एक दूसरे की शॉर्ट कमिंग्स का दोनों को पता होना चाहिए और पॉजिटिवली उन शॉर्ट कमिंग्स को दोनों को मैनेज करने में एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर कपल इस तरह का है कि वो हर वक्त एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में लगा रहता है रहते हैं और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं और वहां पर जो है ना मेरा ख्याल है कि डीप डिस्कशन करने से पहले उनको अपने आपस के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए और फिर
इन डेप्थ जो है आपस में डिस्कशन करते हैं। सर सर ये बताइएगा कि खाली फैमिली नहीं, जो स्कूल होता है या जो पीयर इन्फ्लुएंस होता है वो भी बच्चों की साइकोलॉजिकल स्टेट को इफेक्ट कर सकता है। ये बताइएगा कि स्कूल का और जो पीयर का है दोनों का वेरिंग या कंबाइंड इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है बच्चों की हेल्दी साइकोलॉजिकल स्टेट को डिटरमिन करने के लिए। स्कूल में जैसे बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्लासरूम में कैसे उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, टीचर का क्या एटीट्यूड है बच्चों के साथ, फिर क्लास में क्या डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, स्कूल वाले किस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बच्चों को ऑफर कर रहे हैं और स्कूल का ओवरऑल एनवायरमेंट क्या है, इसके अलावा जो पीयर ग्रुप है उसकी क्या टेंडेंसीज हैं, बच्चे जो हैं वो अपने एज फेलो से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो उन बच्चे के जो एज फेलोज हैं, जो एज ग्रुप के बच्चे हैं या उसके जो क्लोज सर्कल है, जो दोस्त हैं वो उसने किस तरह के बनाए हैं, उनकी क्या आदत है, वो बच्चों को किस चीज पुश करते हैं, उनके अपने क्या बिहेवियर्स है और एटीट्यूड्स हैं, क्योंकि एट टाइम्स ऐसे होता है कि बच्चा खुद तो शायद ये चीजें नहीं करना चाह रहा होता लेकिन जो उसकी पीयर प्रेशर है उसके अंडर आकर वो बहुत से गलत बिहेवियर सीखता है। तो इनका जो दोनों चीजों का, स्कूल का और पीयर ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस है वो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे माशरे में दो जो है ना वो थीरीज प्रवेल करती है, एक ये कि अपोजिट जेंडर के जो बेटा है माँ के साथ अटैच होगा, बेटी बाप के साथ, बेटा और बेटी दोनों मोर लाइकली दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मदर्स, तो वो अपनी जो इमोशनल नीड्स हैं अपनी माँ से ज्यादा पूरी करते हैं, बाप का रोल उनकी इमोशनल नीड्स पूरी करने में बहुत कम होता है, तो इसको आप पेरेंटिंग स्टाइल्स के हवाले से कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है एक्चुअली, जो इम्पोर्टेंट बात है ना बच्चों की पेरेंट्स से अटैचमेंट के रेफरेंस से, वो बच्चों की अटैचमेंट वहीं पर होती है जो पेरेंट बच्चे को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देता है। यानी अगर तो बाप जो है वो बच्चे की नीड्स को, इमोशनल नीड्स को और साइकोलॉजिकल नीड्स को समझ रहा है और बच्चों को इतनी स्पेस दे रहा है कि बच्चे उसके साथ बात कर सके, तो वहां पर बॉन्डिंग जो है वो चाहे बेटी हो या बेटा हो उसकी बाप के साथ ज्यादा होगी। और अगर सिमिलर बिहेवियर माँ का है, माँ ज्यादा जो है बच्चे को स्पेस दे रही है, बच्चे को लव और वार्म्थ दे रही है, तो वहां पर बॉन्डिंग बच्चे की माँ के साथ ज्यादा होगी चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। तो इसमें जो ऑपोजिट जेंडर वाला डिफरेंस है वो पेरेंटिंग में मेरा ये हाल है कि इट इज मैनेजेबल अगर पेरेंट्स अपने बिहेवियर्स को इम्प्रूव करते हैं या बच्चों को प्रॉपर स्पेस देते हैं तो बच्चे उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं या इंक्लाइंड होते हैं जो उनको ज्यादा कंफर्टेबल जोन है। इसमें बताइएगा कि आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके जो सेशन का हमने आगाज किया है तो इसमें से पेरेंट्स क्या चीजें लर्न करेंगे? देखिए जो पेरेंट ट्रेनिंग है इसका जो हर एक सेशन है उसका एक स्पेसिफिक थीम है और हर थीम में पेरेंट्स जो है वो डिफरेंट चीजें लर्न कर सकते हैं। जैसे एक थीम की अगर हम बात करें तो उसमें हम पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस करते हैं कि उन्होंने अपने लव को, अपने एक्सप्रेशन को कैसे बच्चों के साथ शो करना है और कितना इम्पोर्टेंट है एक्सप्रेशन शो करना। हमारी सोसाइटी में अक्सर ऐसा होता है कि जो मदर्स हैं वो अपने मेल चाइल्ड के साथ और फादर्स जो हैं वो फीमेल चाइल्ड यानी अपनी बेटियों के साथ सर्टन एज के बाद अपनी एक्सप्रेशन को शो नहीं करते और उनको ये लगता है कि शायद वो इसमें अनकंफर्टेबल है या शायद ये ठीक नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये भी एक उनकी ग्रूमिंग का पार्ट है, ये पेरेंट्स की ग्रूमिंग का पार्ट है। इसके अलावा पेरेंट्स ने अपने बच्चों के गलत बिहेवियर्स को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, अपनी एग्रेशन को काबू करते हुए, यानी अगर हम ये बात करें कि वो अगर फिजिकल अब्यूज या वर्बल अब्यूज का इस्तेमाल ना करें, बगैर कैसे वो बच्चों को लेसन सिखा सकते हैं कि उन्होंने नेक्स्ट टाइम अपने बिहेवियर्स को कैसे मैनेज करना है या अनडिजायरेबल बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर्स को कैसे कंट्रोल करना है। इसके अलावा जो कपल है वो ऑब्वियसली ये भी सीख सकता है इस ट्रेनिंग के दौरान कि उनका जो आपस का रिलेशनशिप है उसका बच्चे पे क्या इम्पैक्ट है। अगर उनका आपस का रिलेशनशिप डिस्टर्ब है तो बच्चों की पर्सनैलिटी पे वो कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है, और अगर वो डिस्टर्ब रिलेशनशिप है या उनकी जो कम्युनिकेशन है उसको वो कैसे मैनेज कर सकते हैं,
और अपने जो रिलेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से ऐसे मैनेज करें कि उनका इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पे ना आए, बच्चों के साथ कैसे उनको प्रेजेंट करें। थ्रेडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके वैल्यूएबल टाइम का। आज आपने हमें ओरिएंटेशन दी टुवर्ड्स पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि आपने डेवलप किया है पाकिस्तानी सोसाइटी की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए। तो नाज़रीन, नेक्स्ट सेशन में डॉक्टर साहब ने जो पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया है उसमें से किसी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन के मुतालिक हम सीखेंगे, जिससे कि हमें मदद मिलेगी कि पेरेंट्स अपने साइकोलॉजिकल वेलबींग और अपने बच्चों की साइकोलॉजिकल वेलबींग को कैसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर।